How are you? So today we're going to start our new chapter, which is financial arithmetic, and the topic that we're going to cover in this video is percentage. Okay, अच्छा जी, तो परसेंटेज के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी बातें आ जाती हैं कि परसेंटेज होता क्या है. ठीक है, फॉर द पीपल जो के और फॉर द स्टूडेंट्स जो के फर्स्ट टाइम परसेंटेज के बारे में सुन रहे हैं. ठीक है, सो लेट मी टेल यू कि परसेंटेज होती क्या है. ठीक है, नाउ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन विद अ डिनोमिनेटर ऑफ 100 इज कॉल्ड अ परसेंटेज. ठीक है, लेट्स सपोज दैट यू हैव अ फ्रैक्शन. ठीक है, अगर उसके डिनोमिनेटर में 100 होगा, ठीक है, दैट इज बेसिकली नोन एज अ परसेंटेज. अच्छा जी, अब परसेंटेज क्यों हम उसको कह रहे हैं ये बात आ जाती है. ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है लाइक 25/100. ठीक है, अगर हम उसको उसका मीनिंग क्या है. ठीक है, हम किसी चीज को फ्रैक्शन अगर लिख रहे हैं तो उसका क्या मीनिंग है. 25/100 की बात हो रही है. ठीक है, इट मीन्स दैट 25 पार्ट्स आउट ऑफ 100 पार्ट्स. दैट मीन्स द सेम कि इफ यू हैव सम पार्ट और सम कोई भी आपके पास कोई चीज है उसके आप 100 पार्ट्स करते हैं एंड उसमें से आप 25 पार्ट्स को शेड कर देते हैं. आउट ऑफ दैट जो द रिमेनिंग पार्ट्स होंगे वो नहीं है, तो आप जो शेडेड पार्ट्स होती है उसकी फ्रैक्शन आप बचपन में हमेशा बनाते हैं. ठीक है, दैट इज लाइक आप कहेंगे 25 पार्ट्स आर शेडेड आउट ऑफ 100, तो दैट विल बी 25/100, राइट. ठीक है, तो इट मीन्स 25 पार्ट्स आउट ऑफ 100 पार्ट्स. सिमिलरली परसेंटेज ऑल्सो मीन्स दैट पर 100 और आउट ऑफ 100. इफ सपोज देयर इज अ थिंग, उसके आपने 100 पार्ट्स कर दिए, उसमें से कितने पार्ट्स वो चीज कवर कर रही है, दैट इज नोन एज अ परसेंटेज. एंड वी यूज अ सिंबल, दिस ये वाला सिंबल होता है परसेंटेज इंस्टेड ऑफ यूजिंग परसेंटेज. ठीक है, हम उसको कह रहे हैं कि जी देयर इज अ परसेंटेज, और हम रिटन फॉर्म में लिख रहे हैं, सम यूनिट्स लिखते हैं, मीटर्स हो गए या किलोग्राम्स हो गए. जो हम बड़ा बड़े यूनिट्स लिख रहे थे उसका एक तरह से आप कह लें यूनिट ये होता है इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन वर्ड्स. ठीक है जी, लेट्स सपोज 35%, 7% और 100%. ठीक है, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको ये भी दे सकती हूँ दैट फॉर एग्जाम्पल यू हैव एन एग्जाम ऑफ 100 मार्क्स एंड यू गॉट 70 मार्क्स. ठीक है, 70 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, क्या कहते हैं एग्जाम है, लेट्स सपोज ये आपके 70 out of 100 आपके मार्क्स आए हैं. ठीक है, एंड जब उसको कैलकुलेट किया गया तो दैट विल बिकम दैट बिकेम 70%. ठीक है, इसका मतलब है कि जी आपने जो 100 मार्क्स का पेपर था उसमें से 70 मार्क्स के आपके जो क्वेश्चंस थे वो सही हुए. ठीक है, यानी कि आउट ऑफ 100 70 वर करेक्ट और यू मे से 70 वर शेडेड. ठीक है, जब आप उसका परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे दैट विल बिकम 70%, यानी कि जो भी 100 पार्ट की जो चीज थी उसमें से 70 जो एरिया है 70% जो है आपका वो करेक्ट हुआ. ठीक है जी, ओके. नाउ आफ्टर गेटिंग टू नो वॉट परसेंटेज इज, ठीक है, उसकी डेफिनेशन, उसके सिंबल, बेसिक अबाउट, वी गॉट टू नो बेसिक्स अबाउट द परसेंटेज. नाउ वी गोइंग टू कम टू वर्ड्स हाउ टू कैलकुलेट अ परसेंटेज. ठीक है, अब आपके पास सिचुएशन है कि वेन वी आस्क, वेन अ टीचर आस्क यू कि आप परसेंटेज कैलकुलेट करें, सो हाउ यू गोइंग टू डू इट. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट फर्स्ट प्रोसीजर होता है कि आपके पास जो भी नंबर है उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन होती है और उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो. ठीक है, तो फर्स्ट सिनेरियो आ गई आपकी फ्रैक्शन टू परसेंटेज. ठीक है, नाउ लेट्स सपोज वी हैव अ फ्रैक्शन दैट इज 4/25, इसको अब आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सो हाउ यू गोइंग टू डू इट. ठीक है, वो दैट इज अ सिंपल मेथड, दैट इज थ्रू मल्टीप्लीकेशन. हम जो भी आपके पास फ्रैक्शन है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे विद 100%. ठीक है, ओके. नाउ व्हाट विल हैपन इज कि अब आप इसको फर्दर कैसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, इसको आप परसेंटेज को एज अ सिंबल चलने दीजिए, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, इसको आप बिल्कुल ना सोचें कि ये हमें आगे कहीं मल्टीप्लीकेशन में चाहिए होगा. नो, वी जस्ट नीड द 100 ऑफ इट, यूनिट उसके साथ साथ चलता रहेगा. ठीक है, नाउ अब हमारे पास आ गया 4/25 × 100. अब नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अब 25 जो है वो 100 कटिंग हो सकती है, तो दैट विल बिकम, लेट्स सपोज 25 ones are 25 fours are 100 होता है, तो व्हाट वी गोइंग टू हैव इज 4 × 4%. ठीक है, 4 × 4 is 16% एज इट इज. ठीक है, ओके, लेट्स सपोज वी हैव अनदर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है. लेट्स सपोज थर्टी अपॉन 50, इस फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. हाउ आर वी गोइंग टू डू इट, सिंपल, मल्टीप्लाई बाय 100%. ठीक है,
50 और 100 जो है वो आपस में कट हो सकते हैं. 50 वन्स आर, 50 टूज आर 100. तो व्हाट वी हैव इज 30 इंटू 2%, 30 टूज आर 60, 60%. सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू कैलकुलेट अ फ्रैक्शन टू परसेंटेज. ठीक है. नाउ देयर इज अनदर सिनेरियो व्हिच इज डेसिमल टू परसेंटेज. ओके, नाउ देयर इज अनदर सिनेरियो व्हिच इज डेसिमल टू परसेंटेज. अगर आपके पास कोई डेसिमल हो, ठीक है, यानी कि डेसिमल वो नंबर्स होते हैं जो पॉइंट की फॉर्म में होते हैं. अगर आपके पास कोई डेसिमल है, उसको परसेंटेज में कैसे आपने कन्वर्ट करना है, तो उसका भी आपको मैं तरीका बता देती हूँ. लेट्स सपोज हमारे पास जो है डेसिमल है 0.35. ठीक है, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. फॉर परसेंटेज आपके लिए जरूरी है कि आपका जो भी नंबर है वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो. ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में होने का उसके लिए बहुत जरूरी है. ठीक है, अब हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. सिंपल तरीका है, आपको मैंने सिखाया कि इसको फ्रैक्शन में, कोई भी आपके पास डेसिमल, इसको फ्रैक्शन में आप कैसे कन्वर्ट करते हैं. जो उसके बाद पॉइंट के बाद नंबर्स हैं वो आप एज इट इज लिखिए. पॉइंट के बाद 35 है, 35 एज इट इज आ गया. पॉइंट हटाएं, नीचे उसकी जगह 1 लगाएं, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने आप जीरोस लगा दीजिए. पॉइंट के बाद दो डिजिट्स थे तो हमने दो जीरोस लगा दिए. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू अ परसेंटेज. पॉइंट हटाया, 1 लगाया, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस लगा दिए. सो दिस इज व्हाट यू गॉट एज अ फ्रैक्शन. ठीक है, तो अब हमारे पास ये फ्रैक्शन आ गई 35/100. अब इसको परसेंटेज में हमने उसी तरह मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे. 100 को आपने मतलब 100% से आपने मल्टीप्लाई किया, 100 100 आपस में कट गया. व्हाट इज लेफ्ट? 35%, राइट? अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि हमारे पास कोई भी नंबर गिवन है, होल नंबर गिवन है. ठीक है, उसके हमें परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे. लेट्स सपोज हमारे पास है 32% ऑफ 300, यानी कि हमें 300 का 32% निकालने के कितना होगा. ठीक है, हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेशन आसान है. ठीक है, 32% ऑफ 300 मीन्स ऑफ का मतलब होता है उस सिचुएशन में आता है हम जहां मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं. ठीक है, तो 32% ऑफ 300 वुड बी 32% मल्टीप्लाई बाय 300. अब 32% को हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा इजी होगा टू कैलकुलेट. ठीक है, तो 32% वुड बी 32 अपॉन 100 इनटू 300. ठीक है, 100 और 300 आपस में कट जाएंगे. 100 वन्स आर 100, 100 थ्रीज आर 300. तो 32 इंटू 30 इंटू 3 हमारे पास आ गया. तो हम 2 थ्रीज आर 6, 3 थ्रीज आर 9. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. इसका कोई परसेंटेज नहीं लग रहा है, ये होल नंबर की बात हो रही है. 300 का 32% कौन सा नंबर बनेगा. ठीक है, तो दैट इज 96. सिमिलरली टेक अनदर एग्जांपल, देख जिसमें हमें कैलकुलेट करना है 1% ऑफ 10,000. 10,000 का 1% कितना बनेगा. दैट विल बी 1% ऑफ 10,000 मीन्स 1% मल्टीप्लाई बाय 10,000. ठीक है, 1/100 इंटू 10,000. 100 का ये जीरो और ये जीरो आपस में कैंसिल हो गया. 1 × 100 मीन्स 100. सो 10,000 का 1% वुड बी 100. ठीक है, एक और सिचुएशन ले लेते हैं, विच में हम कह लेते हैं कि जी 40% ऑफ 50 का 40% निकालना है. किस तरह निकालेंगे, सेम केस, 40% मल्टीप्लाई बाय 50, क्योंकि ऑफ को हमें ट्रांसलेट करके लिखना है 50 में. ठीक है, 40/100 इंटू 50. 50 वन जार 50, 2 × 100. ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो 2 है, अब ये 2 और 40 आप इसमें कट सकते हैं. तो 2 वन जार 220 × 40. ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 20. सो 50 का जो 40% है वो 20 निकलता है. ठीक है जी,